तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन को अब 11 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। गाजियाबाद में अपने मांगों के साथ आंदोलन में मनोरंजन के भी किसानों ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। देखिए, किसानों के साथ राकेश टिकैत भी कबड्डी का पूरा लुत्फ उठाते दिखाई दिए। अब राकेश टिकैत की कोशिश है कि इस तरीके के आयोजन किसानों को एकजुट रखा जाए, उनका मन भी बहलाया जाए और फुर्ती भी बनी रहे। देख रहे हैं आप गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है लखीमपुर के तिकुनिया में तीन और गिरफ्तारी हुई है। लखीमपुर कांड में एसआईटी ने तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है। स्कॉर्पियो सवार तीन और लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें मोहित त्रिवेदी, धर्मेंद्र सिंह और रिंकू राणा नाम के तीन शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, लखीमपुर कांड में अभी भी कई परतें खुल रही हैं, गिरफ्तारियों का दौर जारी है, जहां तीन और गिरफ्तारी एसआईटी की ओर से और तीन लोगों को जो स्कॉर्पियो में सवार थे अब गिरफ्तार किया गया है। उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, मोहित त्रिवेदी, धर्मेंद्र सिंह, रिंकू राणा, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। केस से जुड़े आशीष मिश्रा समेत चार आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं और बाकियों की भी धरपकड़ जारी है। जिस तरीके से लगातार नजर बनी हुई है, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जिसकी भी संलिप्तता पाई जा रही है उस हिसाब से कार्रवाई हो रही है। फिलहाल एसआईटी ने तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है। और 24 अक्टूबर को होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह दिख रहा है। देश भर में फैंस अलग अलग अंदाज में अपनी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए जतन में लगे हुए हैं, साथ ही जीत के लिए दुआओं का दौर भी चल रहा है। कानपुर में फैंस ने हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा की बजरंग बली से भारत को जीत दिलाने की दुआ मांगी। और देखिए किस तरीके से तमाम जो फैंस हैं वो दुआ मांग रहे हैं कि जीत इंडिया की होनी चाहिए।